हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा चैनल एग्जाम ट्रैक में स्वागत है। आज है 20 जून 2021। आज हम द हिंदू न्यूज पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि हम नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है फोमेंट, और एक वर्ब है। इसका मतलब है इंस्टिगेट और स्टिर अप, भड़काना या हिलाना। इसका सिनोनिम है इंस्टिगेट, प्रोवोक एंड अराउज। इसका एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द है डिस्करेज, कॉन्डेम एंड डिटार। इसका एग्जाम्पल है द सॉन्ग वॉज बैंड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट माइट फोमेंट रेशियल टेंशन। इस गाने को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया था कि इसे नस्लीय तनाव पैदा हो सकती है। इसमें फोमेंट एक भार के रूप में यूज हुआ है। आज का दूसरा वर्ड है इंडिक्टमेंट, और एक नाउन है। इसका मतलब है ए फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ ए सीरियस क्राइम, एक गंभीर अपराध का औपचारिक आरोप लगाना। इसका सिनोनिम है एलिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड समन्स। इसका एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द है प्रेज, एक्विटल एंड एक्सोनरेशन। इसका एग्जाम्पल है सी वॉज कॉन्विक्टेड ऑन एन इंडिक्टमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, उसे साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इसमें इंडिक्टमेंट एक नाउन के रूप में यूज हुआ है। आज का तीसरा वर्ड है सुए भी, और एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट, आकर्षक, आत्मविश्वासी और सुरुचिपूर्ण। इसका सिनोनिम है एफेबल, जेनियल एंड डेबोनियर। इसका एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द है क्लम्सी, ऑकवर्ड एंड रूड। इसका एग्जाम्पल है ही इज ए सुएव है कूल एंड कल्चर्ड मैन, वो एक विनम्र, शांत और संस्कारी व्यक्ति है। इसमें सुएव है एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए। आज का चौथा वर्ड है पेरिल, और एक नाउन है। इसका मतलब है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, गंभीर और तत्काल खतरा। इसका सिनोनिम है हैजार्ड, अनसर्टेनिटी, जियोपार्डी। इसका एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द है प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसका एग्जाम्पल है द कंट्रीज इकोनॉमी इज नाउ इन ग्रेव पेरिल, देश की अर्थव्यवस्था अब गंभीर संकट में है। इसमें पेरिल एक नाउन के रूप में यूज हुआ है। आज का पांचवा वर्ड है ओनिरस, और एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ इफोर्ट, ट्रैवल और डिफिकल्टी, बहुत अधिक प्रयास, परेशानी या कठिनाई में शामिल होना। इसका सिनोनिम है बर्डनसम, डिफिकल्ट एंड पेनफुल। इसका एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द है फ्रेंडली, इजी एंड जेंटल। इसका एग्जाम्पल है दिस इज द मोस्ट ऑनरियस टास्क आई हैव इवर अंडरटेकन, ये मेरे द्वारा किया गया अब तक का सबसे कठिन कार्य है। इसमें ऑनरियस एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दाइन थैंक यू।